तो हेलो दोस्तों दोस्तों मिर्जापुर के 3 सीजन की सफलता के बाद अब फाइनली इसका बोनस एपिसोड भी रिलीज कर दिया गया है अमेज़न प्राइम के प्लेटफॉर्म पर, जिसकी लेंथ 25 मिनट के आसपास रखी गई है। और इस एपिसोड में आपको मुन्ना भैया यानी कि दिवेंदु शर्मा भी नजर आने वाले हैं। और फाइनली मैंने इस बोनस एपिसोड को देखकर खत्म कर लिया है। तो कैसा है ये एपिसोड, आइए थोड़ी बात करते हैं। बात करें इस एपिसोड की स्टोरी लाइन की, दोस्तों इस एपिसोड में आपको कहानी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ चूतिया बनाया गया है। आई मीन भाई साहब, इस एपिसोड में कहानी देखने को मिलेगी ही नहीं आपको। यानी कि जो सीजन 3 था ना, उसके जो रिलेटेड सीन थे, मेरे ख्याल से 10 रिलेटेड सीन थे, वो उनको जोड़कर एक एपिसोड तैयार कर दिया गया है। और बीच बीच में हमें शकल दिखाने के लिए मुन्ना भैया का नरेशन डाल दिया गया है। और जो ये रिलेटेड सीन थे ना दोस्तों, इसको देखकर आपको मजा तो छोड़ो, गुस्सा आएगा भाई साहब। क्योंकि यार जो सीजन 3 था ना, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा था, और अच्छा हुआ कि ये सीन डिलीट कर दिए, नहीं तो सीजन 3 इतना लंबा हो जाता कि जिसको 2x की स्पीड पर देखना पड़ता। एनीवे, जब जब मुन्ना भैया स्क्रीन पर आते हैं तो उनको देखकर अच्छा लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों इस एपिसोड की हाइप इतनी ज़्यादा बनाई हुई थी कि भाई मुन्ना भैया आ रहे हैं, मुन्ना भैया की वापसी हो रही है। अरे घंटे की वापसी भाई, और कुछ लोग तो ये उम्मीद पाल के बैठे हुए हैं कि सीजन 4 में आपको मुन्ना भैया देखने को मिलेंगे, जो कि कहानी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन नहीं भाई साहब, हाँ ये अलग बात है कि इनको सपनों में भी दिखा सकते हैं या फ्लैशबैक के कोई सीन आए उसमें भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर आपको कहानी के अंदर नजर आने वाले नहीं है। और दोस्तों मुझे तो अमेज़न प्राइम वालों से बस ये पूछना है कि भाई इस एपिसोड को आखिर क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, क्या नीड थी इसकी बनाने की। देखो भाई, इस एपिसोड को बनाने के लिए मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि यार मुन्ना भैया की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, और इसी की वजह से सीजन 3 जो है ना हिट नहीं हुआ। आई मीन भाई साहब, हिट तो हुआ है लेकिन ज़्यादा हिट नहीं हुआ है। और मुझे लग रहा है कि उसी कमी को पूरा करने के लिए ये बोनस एपिसोड का चुतियापा हमें चिपकाया गया है। तो दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए बस इतना कहना चाहूँगा कि ओल इन ओल ये है एक बकवास बकवास और बकवास एपिसोड है, जो आपका अच्छा खासा टाइम बर्बाद करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मुन्ना भैया को देखना चाहते हो और आप उनको देखने के लिए एक्साइटेड हो, तो आप इस एपिसोड की तरफ जा सकते हो, जिसको आप स्किप करके मुन्ना भैया को देख सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा रिव्यू इस एपिसोड के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, इसमें कोई पैसे थोड़े लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।